टुडे बच्चों वील बी स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस टुडे हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आज का टॉपिक हमारा रहेगा हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस तो हमारा जो टॉपिक है इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस Now, what do you mean by electronic configuration? सबसे पहली बात electronic configuration का मतलब क्या है? What do you mean by electronic configuration? But electronic configuration का मतलब होता है arrangement of electrons. Arrangement of electrons in an atom. बेटे एक atom के अंदर electron कैसे लगे? हमें उसके arrangement देखने हैं. Arrangement of electrons in an atom, it is called as to be electronic configurations. ये एक एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरते हैं, कैसे लगाते हैं, that is called as to be electronic configuration. And mind it, please do tell yes or no अगर समझ में आए, ठीक? So बेटा electronic configuration के लिए we have certain rules. कुछ rules होते हैं जिसके तहत हम electronic configuration लिखते हैं. बेटा इसमें सबसे पहला principle जो होता है इसको बोलते हैं बेटा ऑफ बाओ प्रिंसिपल ऑफ बाओ प्रिंसिपल ये सबसे पहला प्रिंसिपल है और मजे की बात कभी किससे पूछिएगा क्या वो प्रिंसिपल किसने दिया अगर जवाब आ जाएगा तो जो बोलोगे करूंगा मैं ठीक कोई बता देगा तो मेरे को जरूर बताना सर इसने बताया कि अब वो प्रिंसिपल किसने दिया है पूछना जरूर सबसे हाँ तो अब वो प्रिंसिपल किसने दिया बेटा 90% लोग तो तुम्हें यही बोल देंगे अब वो प्रिंसिपल अब वो ने दिया जबकि अब वो इज नो साइंटिस्ट अब वो इज अ जर्मन वर्ड इट मींस बिल्डिंग अप अब वो इज अ जर्मन वर्ड एंड इट मींस बिल्डिंग अप बनाना हाउ टू फॉर्म ठीक ये अबो प्रिंसिपल दिया था बेटा हमारे पास सिमंस नाम के साइंटिस्ट ने ठीक है प्लीज ऑन माय रिकमेंडेशन प्लीज डू चेक इट ठीक पूछेगा जरूर किससे कि अबो प्रिंसिपल किसने दिया तो 99.9% तुम्हें बोलेंगे अबो ने और जो 0.1% होंगे उनको पता नहीं होगा आपको क्या करना होगा सो जब आप सिलेक्ट होकर के किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे ठीक वहां पर आपको कमरा किराए पर लेना होगा तो क्या पहली बार में ही वो कमरा लेंगे जिसका किराया बहुत ज्यादा होगा या पहले वो किराया ढूंढने की कोशिश करेंगे वो कमरा ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसका किराया कम होगा अगर वो भरा हुआ होगा तो फिर वो ढूंढेंगे जिसका किराया और थोड़ा सा ज्यादा हो या सीधे ही पहले जाके वो कमरा देखोगे जहां सबसे ज्यादा किराया देना पड़ जाए नहीं ना बेटा इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन भरते हुए क्या करते हैं हम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां भरेंगे जहां एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉन के इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन भरते चले जाते हैं यानी अकॉर्डिंग टू अबोव प्रिंसिपल ये कहता है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन्स In the ground state of an atom, electrons occupy lower energy shell, and subsequent electrons are fed in the order of
in the order of increasing energies. Increasing energies. Kehta in the ground state of an atom, electrons first occupy lower energy shell and subsequent electrons are fed in the order of increasing energies. यानी इलेक्ट्रॉन भरते हुए पहले हम इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले शेल में भरेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी शेल में भरेंगे और फिर धीरे 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 उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा 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 एनर्जी में भरना होगा. सबसीक्वेंट इलेक्ट्रॉन आर फेड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज. ठीक है जी. तो पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में, फिर उससे हायर में, फिर उससे हायर में, फिर उससे हायर में, ऐसे भरते हम लोग. अब सर ये एनर्जी का ऑर्डर कैसे पता चलेगा हमें? बेटा इस एनर्जी का ऑर्डर देखने के लिए हमें एक रूल दिया गया था जिसको हम बोलते हैं बोहर बरी रूल, बोहर बरीज रूल. हालांकि बोहर बरी रूल्स पे मैंने आपको क्वांटम नंबर में क्वेश्चन भी करवाया था एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट इज वी हैव टू सी एन प्लस एल. जिसका एन प्लस एल ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जिसका एन प्लस एल कम होता है उसकी एनर्जी कम होती है. अगर एन प्लस एल बराबर हो जाए तो जिसका एन ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका एन ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा. तो बेटा बोहर बरी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमने इसको बनाना है. पर सर अब तो बड़ा मुश्किल, हर बार हमें देखना पड़ेगा, तो इसलिए एक शॉर्टकट बनाते हैं. लेट वी डू, हम एक ना लड्डू डायग्राम बनाएंगे. क्या बनाएंगे? लड्डू डायग्राम. कैसे ये बनाया? देखो बेटा पहले सात लड्डू, एक दो तीन चार पांच छह सात लड्डू पहले बना देने. ठीक, तो पहले बना दे सात लड्डू. एक स्नेहा खा गई ऊपर वाला लड्डू, इसको गिन लो पहले, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. तो पहले वाला स्नेहा खा गई, बचे कितने? एक दो तीन चार पांच छह. तो यहां दो तीन चार पांच छह सात वाले बचे. अब स्नेहा को देख के आर्यन को गुस्सा आ गया, भैया ये लड्डू खाई जा रही है, मैं भी खाऊंगा. उसने दो लड्डू उठा लिए, एक ये वाला और एक नीचे वाला. तो भैया दो लड्डू उठा के उसने खा लिए. अब बचे ये सिर्फ एक दो तीन चार. ठीक है, कौन कौन से वाला? थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स. इनको देख के मेरे को गुस्सा आ गया, स्टूडेंट होकर के लड्डू खाई जा रहे हैं, सर को पूछ ही नहीं रहे हैं. तो मैंने भी दो लड्डू खा लिए, एक ये वाला. अब बचे कितने? सिर्फ बचे सिर्फ दो लड्डू. ठीक है जी, कौन कौन से वाला? फोर्थ और फिफ्थ वाला. अब जो पहली लेयर थी वो थोड़े स्वादिष्ट लड्डू थे, उसके पीछे लिख दो स्वादिष्ट लड्डू, स्वादिष्ट लड्डू एस. दूसरी लेयर थोड़े पीले पीले से लड्डू थे, लिखो पीले लड्डू, पीले लड्डू. तीसरी लेयर थोड़े ढीले ढीले से लड्डू थे, लिख लो ढीले लड्डू, डी ढीले लड्डू. ये किसने खाए नहीं ना, फालतू बचे ना, तो फालतू के लिए क्या लिखोगे? एफ, फालतू लड्डू. समझ में आ गई बात? तो ऐसे करके हम लड्डू खा लिए. अब लड्डू खाने के बाद अब मन कुछ और कर रहा है, तो चलो ऐसा करते हैं एक गेम खेलते हैं. आजकल ओलंपिक्स चली रही है, चलो गेम खेलते हैं, हम भी थोड़ा प्रैक्टिस करते तीरंदाजी की. ठीक, तो भैया पहले पहला तीर मारा, टेढ़ा टेढ़ा मारना है हमें. पहला तीर मारा तो 1s कटा. ठीक है जी, अब हमने यहां से आए यहां पे काटा, ये कौन सा कट गया? ये 2s कट गया. ठीक है जी, ऐसे ही यहां, फिर ऐसा समझो कि यहां से हमने ऐसे लड्डू काट दिया भाई. फिर अगला तीर मारा तो एक तीर से दो निशाने, पहले 2p फिर 3s, तो पहले 2p और फिर 3s. फिर एक बार और काटा तो पहले 3p फिर 4s, 3p और फिर 4s. ठीक है जी, फिर ये काटा 3d 4p 5s. अरे भाई एक तीर से तीन तीन निशाने है ना भाई, क्या आ गया? 3d 4p 5s. एक फिर एक बार और काटो,
एक बार और काट रहे हो 4D 5P 6S तो यहां आया 4D 5P 6S ठीक। फिर काटो, अरे भाई इस बार तो तीर ही बड़ा मजेदार लगा, एक तीर के चार चार निशान, दैट इज 4F, फिर 5D, फिर 6P और 7S, 6P 7S, फिर लास्ट में एक और तीर मार डालो, तो तीन और कटे हमारे पास। कौन सा? पहला कटा 5F, फिर कटा 6D और लास्ट में कटा 7P। तो ये जो ऑर्डर आ गया बेटा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। ये इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर हो गया। तो पहले बेटे हमने लड्डू डायग्राम बना लिया, ठीक है जी, फिर उसमें हमने डार्ट गेम खेली, एक एक करके तीर मारे, जो लोग कटते गए काटते चले गए और एनर्जी का ऑर्डर आ गया। तो ये एनर्जी का ऑर्डर है बेटा, इसको लड्डू डायग्राम नहीं बोलते है ना, वो तो ऐसे बोलते हैं। अगर कोई पूछे, ये भी पूछना कभी किससे कि सर इसका नाम क्या है, तो लोग पता क्या क्या नाम होता है, स्नेक डायग्राम ऐसे वाला, क्यों? वो यूं बताएंगे यहां से जाओ, फिर यहां से आओ, फिर यहां से जाओ। अरे छोड़ो यार, इतना लंबा क्या है हमारे पास, ठीक, सीधे तीर मारो। इसको बोलते हैं मॉयलर डायग्राम, इसका एक्चुअल नेम है मॉयलर डायग्राम, सो इट्स नेम इज मॉयलर डायग्राम। तो मॉयलर डायग्राम में आप एनर्जी का ऑर्डर बड़ी आराम से समझ सकते हैं, ठीक। तो सुकृत जी, SPDF इज सबशेल्स, S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल, F सबशेल, ठीक है। अब हमें यह पता ही था कि S में दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, P में हमेशा मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 जा सकते हैं और F में मैक्सिमम 14 जा सकते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स। यानी S में दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, P में 6 से ज्यादा नहीं जाते, D में 10 नहीं जाते, 10 से ज्यादा नहीं जाते और F में 14 से ज्यादा नहीं जाते, ये हमें मालूम था। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरनी है। प्लीज सी हियर, लीव योर पेंस असाइड, प्लीज अंडरस्टैंड। हमारे पास मान लो Z30 है, Z30, Z इज एटॉमिक नंबर, 30 इसको भरना है, यहां से शुरू हो जाओ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2, क्योंकि S में दो जाते हैं, फिर 2s, इसमें भी दो, इसमें भी दो जा सकते हैं, फिर 2p, p में कितने जा सकते हैं, 6 तक, तो 6p में चले। उसके बाद आया 3s, s में कितने जाते हैं, 2, उसके बाद आया 3p, p में कितने जाते हैं, 6, फिर आया 4s, 4s में कितने जाते हैं, 2, बचे कितने देख लो जरा, बचे हमारे पास 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, अभी 10 बचे हैं। और 4s के बाद क्या है, 3d, उसमें चले गए 10। तो ये जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक, आई थिंक सो, यू गॉट इट और नॉट, जल्दी बोलना समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। मान लो, ठीक, जस्ट अ सेकेंड बेटा, देयर इज अ, नाउ यू हैव टू फिल Z35, एटॉमिक नंबर 35, तो यहां से शुरू हो जाएंगे 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2, फिर उसका 2s, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, उसका 2p, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2p में 6, ठीक। और फिर अगला 3s, 3s में कितने जाएंगे, 2, उसके बाद 3p, p में कितने जा सकते हैं, 6, 4s, 4s में कितने जाएंगे, 2, 3d, d में कितने जा सकते हैं, 10, बचे कितने, अभी भी बचे कितने, अभी बचे 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, अभी 5 बचे हैं, और 3d के बाद क्या आया, 4p, तो 4p में मैक्सिमम 6 रास्ते पर बचे 5 थे, तो यहां 5 लिख दिया जी, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई। सो दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Z35, ये कॉन्फ़िगरेशन Z35 की हो गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह से मान लो Z17 या Z16 भरना चाहते हो, सिंपल सा Z16,
अब Z16 भरना है, यहां से शुरू हो जाओ। 1S में कितने? दो। 2S में कितने? दो। 2P में कितने? 6। 3S में कितने? दो। कितने हो गए देख लो जरा, दो दो चार छह दस। अभी बचे चार और, तो चार किसमें जाएंगे आगे? 3P, तो 3P में 4। लो जी पूरे 16 के 16 हो गए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। बोलो बेटा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हो? आई थिंक सो, इट इज वेरी सिंपल। ठीक, बहुत ही सिंपल हो गया। बस आपने ये याद रखना कि जो भी s आएगा उसमें मैक्सिमम 2, जो भी p आएगा उसमें मैक्सिमम 6, जो भी d आएगा उसमें मैक्सिमम 10, और जो भी f आएगा उसमें मैक्सिमम 14, और उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरते जाना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जितने आएंगे उतने लिख देने। ठीक है जी। सर ये तो ठीक है सर, जरा ना Z84 लिख के दिखा दो। हाँ जी, और यार Z84 बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, अब इतना कैसे करें यार, तो इसको थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं। लेट मी टेक इट एज अ शॉर्टकट, इसका एक शॉर्टकट लेते हैं। शॉर्टकट कैसे लेंगे? देखो बेटे, नोबल गैसेस देखेंगे। नोबल गैसेस होती हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन एंड रेडोन। बेटा हीलियम 2 पे आती है, ठीक, नियोन 10 पे आती है, आर्गन 18 पे आती है, क्रिप्टॉन 36 पे आ जाती है बेटा, ज़ीनोन 54 पे आती है, रेडोन 86 पे आती है। कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। देखो बेटे इसमें 8 का डिफरेंस है, फिर 8 का डिफरेंस है, फिर यहां 18 का डिफरेंस है, फिर 18 का डिफरेंस है, फिर 32 का। इनको मैजिक नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। ये 2, 8, 8, 18, 18, 32 मैजिक नंबर होते हैं। ठीक, क्यों होते हैं मैजिक नंबर आगे बता दूंगा। यानी जहां पे 2 आ जाए उसकी जगह हम सिंपली हीलियम लिख सकते हैं, यानी 1s ना लिखें उसकी जगह सिंपली हीलियम लिख सकते हैं। फिर यहां 2p तक, यानी कहां तक? 10 तक हम इसकी जगह नियोन लिख सकते हैं, ठीक। फिर 18 तक हम आर्गन लिख सकते हैं, 18 तक हम आर्गन लिख सकते हैं, और फिर आगे 18 के बाद 36 पर, 36 तक हम क्रिप्टॉन लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चले जाओ ज़ीनोन लिख सकते हैं, ठीक। मतलब क्या है थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे देखो इसके बाद हीलियम लिखने के बाद शुरू हुआ करता है, अगला शेल जो शुरू होता है वो होता है 2s। ऐसे नियोन लिखने के बाद जो अगला शेल शुरू होता है 3s। आर्गन लिखने के बाद अगला शेल जो शुरू होता है वो होता है 4s, ठीक। क्रिप्टॉन लिखने के बाद अगला शेल शुरू होता है 5s। ऑब्वियसली अब गैस करो ज़ीनोन लिखने के बाद क्या होगा? Obviously 6s, ठीक। और रेडोन लिखने के बाद क्या होगा सर? 7s, so on। तो जैसे मुझे इस Z30 की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी शॉर्टकट में लिखनी है, इतनी लंबी मैं नहीं लिखना चाहता हूं। तो 30 से पहले वाली नोबल गैस कहां पे आई? जल्दी बोलो, 30 से पहली वाली नोबल गैस कहां पे आई? 18 पर। 30 से पहले वाली 18 पर। तो उस 18 की जगह तो मैंने आर्गन लिख दिया, उस 18 की जगह आर्गन लिख दिया, ठीक। 18 यहां तक आ गया, और आर्गन के बाद क्या शुरू होता है? 4s, यानी इसके आगे। तो इसके आगे लिखो 4s में कितने गए? दो। 18 और 2 20। उसके बाद 3d में कितने बचे? 10। तो कॉन्फ़िगरेशन है रेड वाली कितनी छोटी हो गई, सुंदर सी है ना। आर्गन 18, 4s2, 3d10। शॉर्टकट मार दिया हमने। इसी तरह से 35 से पहले वाली नोबल गैस कहां पे होगी खत्म? 18 पे। तो इसके लिए भी हम लिखेंगे क्या? आर्गन विच इज ऑन 18, उसके बाद 4s में
दो, ठीक, उसके बाद 3D में 10 और फिर 4P में 5, 4S 3D 4P, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई छोटी सी 35 की। जैसे Z16 है, 16 से पहले वाली नोबल गैस कहां पे आ रही है, जल्दी बोलो, 16 से पहले वाली नोबल गैस 10 पे, 10 पे कौन सी, नियोन, तो लिखो जी 10 पे नियोन, ये 10, और नियोन के बाद क्या शुरू होता है, 3S, यानी ये वाला 3S3B, 3S में 2, और बाकी क्या बचा, 10 और 2 12, चाहिए थे 16, ठीक, तो भैया सिंपल बात, 3P's के बाद 4, तो 10 प्लस 2 प्लस 4, 16 हो गए, और कॉन्फ़िगरेशन इतनी बड़ी लिखनी जगह इतनी छोटी हो गई। जैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब मान लो मुझे बोल दिया जाए कि Z89 लिखो, तो अगर ऐसे लिखता तो बूढ़ा हो जाता है ना भाई, ऐसे लिखता तो बूढ़ा हो जाता। अब मेरे को पता है कि भैया 86 पे तो रेड होनी आ जानी है, ठीक, और उसके बाद शुरू होना है 7S, उसका शुरू होना है 7S, तो 7S लिख लो भैया, 7S में 2 इलेक्ट्रॉन, 82, और क्या हो गया बेटा, यहां थोड़ा सा झोल रहता है, 5F और 6D की एनर्जी सेम होती है बेसिकली, ठीक, 5F और 6D की एनर्जी लगभग सेम होती है, तो हम एक्चुअली 6D को पहले लिख देते हैं यहां पर, ये थोड़ा सा 80 की जगह मैं इसको 90 ले लूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, आपको समझ में आसानी से आएगा, ठीक, तो यहां पे हम पहले लिखते 6D में, ठीक, अरादर ये थोड़ी एक्सेप्शन आ जाएगी, 87 या 88 लिख रहा हूं, 86 प्लस 2 88, तो 88 हो गया, Z88 का इतना छोटा सा रहेगा। मान लो हमें बोल दिया गया कि आप ऐसा Z65 लिख दो, Z65, ठीक, यहां Z65 भी क्यों, 75 लिखते हैं, Z75, अगर Z75 लिखोगे, 75 से पहले वाली नोबल गैस दैट इज ज़ीनोन, और वो कहां पर, ज़ीनोन 54 पे, और उसके बाद क्या शुरू हुआ, 6S, यहां से आगे 6S 4F 5D, तो भैया 6S में 2, 4F इसके बाद 14, ठीक है जी, तो 54 56 56 और ये कितने हो गए, 56 60 70, उसके बाद आया आपके पास 5D, तो हमें 75 लिखना था, यहां आ गया 5, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन गई, ज़ीनोन 54 6S2 4F 14 5D 5, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, यस सर, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, तो बेटा ये अवो प्रिंसिपल जो है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने के काम आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप 10 बार इसको लिखेंगे ना तो आपको ये वैसे याद हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि 2 पे हीलियम, फिर 10 पे नियोन, 18 पे आर्गन, ये सारे आपको पता होंगे, उसके बाद कौन कौन सी शेल आती है वो पता होगी, बड़े जल्दी आप लिख सकोगे कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा इस पे प्रैक्टिस जरूर करना घर पे, हाउ टू राइट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि बेटा अगर ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी तो बेटा आने वाले टाइम में कुछ नहीं आएगा। बोलो आपको प्रिंसिपल समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलना, यस और नो, यस सर, ये अब वो प्रिंसिपल था, इससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा करते हैं, ये पहला रूल था अब वो प्रिंसिपल, बेटा पेपर में आएगा ये, तो बोलना इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द लोअर एनर्जी शेल एंड सबसीक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स आर फेड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी एंड इंक्रीजिंग एनर्जी सीन बाय द हेल्प ऑफ बोहर बरी प्रिंसिपल दैट इज एन प्लस एल रूल। तो पहले तो हम ऐसे भर सकते हैं, और छोटा करने के लिए हम नोबल गैस देख सकते हैं, नोबल गैस से आगे
फर्स्ट नोबल गैस के आगे 2s शुरू होगी, फिर 3s, 4s, 5s, 6s ऐसे करके, तो वो आप ऊपर बना सकते हैं कि किसके बाद क्या आएगा, तो शॉर्टकट पहले से तैयार रहेगा। तो ये तो था ओफो प्रिंसिपल। बेटा बेटा ओफो प्रिंसिपल से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और रूल है हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो भर दी, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट भी तो पूरी बतानी है ना कि कैसे लगा होगा, ठीक। या आप अगर मेरे से पूछते कि सर एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं, पी के अंदर 6 क्यों आते हैं, मुझे पी के अंदर 10 लिखने हैं जी, क्यों नहीं लिख सकता मैं पी के अंदर 10, व्हाट इज द रीजन? तो उसके लिए हमारे पास एक आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो बेटा ये अगला प्रिंसिपल हो गया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्योंकि यहां अपोस्ट्रोफी एस है तो हमें समझ में आता है कि जिस बंदे ने दिया होगा उसका नाम ही क्या होगा, पॉली। तो दिस वॉज गिवन बाय वोल्फगैंग पॉली। ठीक, ये क्या कहता है, ये कहता बेटा नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम। क्या कहता है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, no 2 electrons in an atom can have all 4 quantum numbers same। हमारे पास एक एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होते जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएं। No 2 electron in an atom can have all 4 quantum numbers same। कोई भी 2 ऐसे एटम, 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं है एक ही एटम के अंदर जिसके सारे क्वांटम नंबर सेम हो जाए, नॉट पॉसिबल। जैसे समझेगा, अपने पास 4 क्वांटम नंबर थे, एक था n, दूसरा था l, तीसरा था m, चौथा था s। मान लो किसी इलेक्ट्रॉन का n4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, और मान लो ये प्लस हाफ होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन 1 है एक ही एटम का। तो इलेक्ट्रॉन 2 का अगर ये 4 है तो हो सकता है ये 3 या 3 की जगह 2 हो, हाँ ये 2 हो, ये प्लस हाफ हो, यानी ये अलग अलग हो गए पर चारों सेम नहीं हुए। इलेक्ट्रॉन 3 मान लो ये 4 है और मान लो ये भी 2 आ गया, तो फिर ये 1 होना चाहिए, ये प्लस हाफ है। अगर ये दोनों सेम हो गए तो ये सेम नहीं होगा, यानी ये 3 सेम है तो ये सेम नहीं है। ऐसे इलेक्ट्रॉन 4, ये 4 है, ये 2 है, ये भी 1 है, तो बेटा ये -1 होगा, माइनस हाफ होगा, तो चौथा क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। चाहे तो आपके पास कोई एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा, चारों सेम नहीं हो सकते। जैसे यहां सभी में शेल सेम है, एन क्या होता है, शेल सेम। अब यहां पर और यहां पर डिफरेंट सबशेल है, डिफरेंट सबशेल, सबशेल डिफरेंट है बेटा, ठीक है जी। ये आपके पास किसमें आ गया बेटे, ये आपके पास आ गया 4F, क्योंकि आपको पता 4 ऐसे लिखते हैं, L3 मतलब F, तो 4F, और यहां लिखोगे तो 4L2 का मतलब D, तो ये 4D, L2 का मतलब D होता है, याद है ना भाई, भूले तो नहीं, कि L अगर 0 हो तो उसका मतलब S, 1 हो तो मतलब P, 2 हो तो मतलब D, 3 हो तो मतलब F, याद है ना L की वैल्यूज। तो
तो यहां ये तो शेल बताती है, सेम शेल होगी सभी की, ये सारे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में है, पर यहां पे उसका सबशेल डिफरेंट है। ये एफ में है क्योंकि एल थ्री मतलब एफ, और ये डी में है क्योंकि टू मतलब डी। अब इन तीनों का अगर सबशेल सेम था, यहां तो सबशेल डिफरेंट हो गया, अगर सबशेल सबशेल सेम है तो ये एम डिफरेंट है, एम मतलब ऑर्बिटल, तो भैया ऑर्बिटल डिफरेंट है, तो यहां पर डिफरेंट ऑर्बिटल हो गए, ठीक है जी, डिफरेंट ऑर्बिटल हो गए। और यहां पे इसका शेल सेम, इसका सबशेल सेम, इसका ऑर्बिटल सेम, अगर ऑर्बिटल सेम तो स्पिन डिफरेंट, स्पिन डिफरेंट मतलब ये है कि चारों में से एक तो फर्क होगा ही होगा, चाहे उसकी शेल अलग होगी, चाहे उसकी सबशेल अलग होगी, चाहे उसका ऑर्बिटल अलग होगा, और अगर शेल सबशेल और ऑर्बिटल सेम हुए तो स्पिन अलग होगी। अब यहां से हमने ये इंटरप्रेट कर लिया कि इसका मतलब ये हो गया कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट मस्ट बी इन से इन डिफरेंट स्पिन्स। यहां से हमें समझ में आया कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्यों? मान लो ये मैंने 2s लिखा, तो इसका n बोलो क्या होगा, 2 होगा, l बोलो क्या होगा, s के लिए l की वैल्यू 0 होगी, और m बोलो क्या होगा, m की वैल्यू 0 होगी। इलेक्ट्रॉन वन दूसरे इलेक्ट्रॉन में n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, और स्पिन हमने बोला चारों को सेम रखे नहीं, तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस में होगा, यानी ये स्पिन उल्टी होगी, इलेक्ट्रॉन नंबर 2। अगर मान लो तीसरा इलेक्ट्रॉन भरते तो बेटा यहां तो ये स्पिन लिखते या ये स्पिन लिखते, कोई एक लिखते ना, तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाते, जो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक ऑर्बिटल के अंदर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अगर एक ऑर्बिटल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसके चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। और हमें यह लॉ बोलता है कि एक एटम के अंदर कोई दो ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं जिसके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो। जैसे अगर मान लो मैं इस पे तीसरा भी लिख देता हूं, जिसको नहीं समझ में आया, मान लो मैं इसको तीसरा ऐसे लिख देता हूं, तो भैया उसके क्वांटम नंबर n तो 2 है, l तो s के लिए 0 है, m 0 ही होगा, और s ऊपर वाली स्पिन के लिए मैंने बोल दिया प्लस हाफ, तो बेटा ये और ये सेम हो गए, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, इसलिए तीसरा इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। तो यहां से समझ में आया बेटा कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल फोर क्वांटम नंबर सेम। एक एटम के अंदर कोई ऐसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिसके क्वांटम नंबर चारों के चारों सेम हो जाए, कोई एक तो डिफरेंट होगा ही होगा, ठीक। इसका मतलब यह हो गया कि अगर एक ऑर्बिटल हम ले लें कोई भी, तो उसके तीन क्वांटम नंबर तो सेम हो ही जाते हैं, शेल सबशेल ऑर्बिटल सेम हो जाएंगे, पर स्पिन सेम नहीं होगी। और इसका मतलब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते, दो से ज्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि नहीं तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे।
तो शॉर्टकट में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ऐसे ही बोला जा सकता है, एंड ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी इन द ऑपोजिट स्पिन, डिफरेंट की जगह ऑपोजिट स्पिन शब्द यूज कर लेना, विल बी अ बेटर बेटर वर्ड। ठीक है जी, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? यस सर। गुड 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 बेटा, वेरी गुड। अब देखो बेटा, इसी से समझ में आया कि एस में एक ऑर्बिटल होता है, हमें पता है एस में एक ऑर्बिटल, तो ऑब्वियसली एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तभी समझ में आया कि एस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तीन, तो एक में दो जा सकते इलेक्ट्रॉन, तो तीन में कितने जाएंगे? इसीलिए तीन में छह इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और तीन की स्पिन ऊपर, तीन की स्पिन नीचे। इसी तरह डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी में पांच ऑर्बिटल होते हैं, तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तो पांच में दस इलेक्ट्रॉन, इसीलिए डी में ऐसे करके हम दस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। और एफ में सात ऑर्बिटल्स होते हैं, तो सात में कितने इलेक्ट्रॉन? चौदह। इससे समझ में आया कि हमारे पास एस में दो होने चाहिए, पी में छह होने चाहिए, डी में दस होने चाहिए, और एफ में चौदह होने चाहिए, जी में अठारह होने चाहिए। तो बेटे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर बच्चों को समझ में आ गया है तो आगे चले क्या? अब ये हो गया दूसरा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक बार फिर से समझ लो, no two electrons in an atom can have all four quantum numbers same, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि भैया an orbital can accommodate only two electron and that must be the opposite spin। हाँ जी उजस्व जी, क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम जी सबशेल को यूज़ क्यों नहीं करते? अभी तक उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं आए तो क्या करें? जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए उसमें अभी तक पहुंचे ही नहीं तो क्या करें? ओके सर। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद बेटा एक बात और बता दूं, यहां एक्सक्लूजन का मतलब क्या था? व्हाट डज मींस एक्सक्लूजन? देन इट एक्सक्लूडेड द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर सेम, जो चारों क्वांटम नंबर सेम होता है ना, उस पॉसिबिलिटी को इसने एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। ठीक है जी बच्चे? और बेटे अपने माइक ऑफ रखा करो बेटा, मुझे यहां से ऑफ नहीं करने पड़े तो बेटर रहेगा। ठीक, प्लीज अपने माइक्स ऑफ रखें, दूसरों को परेशानी होती भाई। चलिए अब तीसरा लॉ पढ़ेंगे बेटा, लॉ नंबर थ्री, लॉ नंबर थ्री। तीसरा लॉ है होम्स रूल, होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम, होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी, होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एक ये तीसरा लॉ है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है? कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड विद पैरेलल स्पिन। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन सेम, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन द ऑर्बिटल्स, इन द ऑर्बिटल्स ऑफ same energy until each orbital is filled singly
with parallel spin. Parallel spin. क्या कहता है? Electron pairing will not take place in the orbitals of same energy until each orbital is filled singly with the parallel spin. बेटा अगर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं तो पहले पेयरिंग नहीं होगी, पहले वो एक एक करके भरेंगे विद पैरेलल स्पिन फिर एंटी पैरेलल. सर मतलब नहीं समझ में आ रहा. मान लो किसी कॉन्फ़िगरेशन में आपका पी फोर है, यानी पी में चार इलेक्ट्रॉन आपने भरने हैं, तो कैसे भरोगे? पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं जल्दी बोलो, अभी जल्दी लिखो, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? यस, थ्री. अब इन तीन ऑर्बिटल्स को हम कैसे कैसे भर सकते हैं, कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज है? या तो हम ऐसे भर दें, एक दो तीन चार, सेम स्पिन में तो वैसे नहीं भर सकते थे भाई, वो तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है स्पिन सेम नहीं होनी चाहिए, एक ऑर्बिटल में स्पिन अलग अलग होनी चाहिए. तो ऐसे एक दो तीन चार ऐसे भर सकते हैं, या हम ऐसे भी भर सकते थे, पहले एक ठीक फिर दो फिर तीन फिर चार, ऐसे भी तो भर सकते हैं ठीक. लेकिन हमारे पास ये लॉ बोलता है ना हम ऐसे भरेंगे ना हम ऐसे भरेंगे ठीक. हम पहले इन चारों में से, पहले इन सबकी एनर्जी सेम है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और वो भी एक स्पिन में, यानी एक दो तीन, फिर पेयरिंग स्टार्ट. आओ आप इसको फिल कर सकते हैं, ऐसे फिल करने का है, ना कि ऐसे, ना कि ऐसे. जैसे अगर मान लो डी ऑर्बिटल्स होते, मान लो आपका डी सेवन है, D7 मतलब सात इलेक्ट्रॉन D में भरने हैं, D में ऑर्बिटल बोलो कितने, D में ऑर्बिटल कितने, ऑब्वियसली पांच, एक दो तीन चार पांच, ठीक है जी. अब सात को मैं ऐसे भरता, एक पहले सिंगली, एक दो तीन चार पांच, सिंगल सेम स्पिन में ऊपर वाली स्पिन में, और फिर पेयरिंग स्टार्ट करता छह सात, तब तो होता सही. बट अगर मैं ऐसे कर देता भाई, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो बड़े वाला काटा. या फिर मैं ऐसे कर देता, एक दो तीन चार पांच छ सात, तो भी बड़े वाला कांटा मिलता, क्योंकि पहले सिंगल स्पिन में भरना एक एक करके, पहले पैरेलल ऊपर वाली स्पिन में और फिर एंटी पैरेलल वाले में. तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी. बेटे ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी को हम लोग एक टर्म दे देते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, अगर तुमसे कोई पूछे डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, है ना, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी सेम होती है. तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी अंटिल ईच ऑर्बिटल सिंगली फिट विद द पैरेलल स्पिन. बोलो लॉ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी यस सुन लो, जल्दी. चलो, लेकिन मेरे को एक बात अखर रही है कि ऐसा क्यों, क्यों नहीं ऐसा कर सकता, क्यों नहीं ऐसा कर सकता, मैं ऐसे ही करना चाहता हूं, मैं ऐसा ही करना चाहता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता. और दूसरी बात, ये मैक्सिमम मल्टीपलसिटी क्या बला है भाई? होम्स रूल लिख देते यार सीधी, ये क्या होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलसिटी, क्या मल्टीपलसिटी? तो होम्स ने बताया कि एक होती है स्पिन मल्टीपलसिटी. क्या होती है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी. स्पिन मल्टीप्लिसिटी
और इसको निकाला करते हैं 2s plus 1 से, where s is total spin, where s is total spin, और जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा होगी, हम वही भरेंगे, वही सही होगा। जैसे इधर पहले स्पिन टोटल निकालो जाए, इसका प्लस हाफ तो इसका माइनस हाफ, इसका प्लस हाफ तो इसका माइनस हाफ, ऐड करो प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, जीरो हो गया कि नहीं, तो टोटल स्पिन इसका जीरो, टोटल एस जीरो, इसलिए स्पिन मल्टीपल तो उसमें स्पिन मल्टीपल बात करो तो वो होगा 2 इंटू टोटल स्पिन इज 0 प्लस 1, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 यानी 1, तो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 1 ओवर हियर। अगर मैं इसमें देखता हूं ये प्लस हाफ ये माइनस हाफ ये माइनस हाफ ये प्लस हाफ, ठीक, अभी बोलो टोटल स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, अगेन टोटल स्पिन इज जीरो, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज 1, इसकी भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, इसकी भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है। अब यहां आ जाओ भाई, दिस इज प्लस हाफ, दिस इज माइनस हाफ, दिस इज प्लस हाफ एंड दिस इज ऑल्सो प्लस हाफ, अब इसकी टोटल स्पिन बोलो जरा, बोलो टोटल स्पिन इसकी, टोटल स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, लेकिन प्लस हाफ वन हो गई, टोटल स्पिन वन, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 3। तो भैया यहां पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है, इसलिए यही राइट है। क्लियर? जैसे यहां पे भी देखते हैं, ये चलो प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, यहां माइनस हाफ होती, यहां माइनस हाफ होती, और यहां पे सॉरी प्लस हाफ और यहां पे प्लस हाफ होती, तो टोटल स्पिन इसकी कितनी आ जाती, 1.5। टू इंटू 1.5 प्लस 1 तो 3 प्लस 1 4, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 होती, लेकिन यहां पे प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, इट इज ओनली प्लस हाफ यानी 0.5, तो 2 इंटू 0.5 प्लस 1 यानी 2 होती, यहां प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ अगेन प्लस हाफ, तो इसका भी हमारे पास 2 होती स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो यही बेस्ट होता कि नहीं, बोलो बेटे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है 2s प्लस 1 का मैक्सिमम होना। तो बेटे इसीलिए पहले हम सिंगली फिल करेंगे, वो भी एक स्पिन के साथ, और फिर उसकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे किसी दूसरी स्पिन के साथ, बशर्ते एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, एक सबशेल के, ठीक। ऐसा नहीं कर देना, जैसे मान लो अगर मेरे पास एक 2s है और आगे 2p है, 2s में ये और 2p में ये, और मान लो इसमें बोला है हमारे को दो यहां पर, यानी हमारे को यहां पे बोल दिया गया कि ऐसे करो टोटल मिला के इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भर दो, तो दो यहां भरने 3 यहां भरने हैं, तो 1 2 पहले यहां पूरा करना, क्योंकि इसके और इसकी एनर्जी में फर्क है, 2s 2p की एनर्जी में फर्क है। हाँ, इसमें जो 3 भरने हैं वो पहले सिंगली भरने हैं, सेम शेल सेम एनर्जी वाले में सिंगली फिल करने हैं, ये नहीं कि सर इधर एक भरूंगा फिर एक इधर फिर एक इधर फिर एक इधर, गलत हो जाएगा। इसमें पहले पूरे भरो, अब वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली पहले लोअर एनर्जी में भरने होते हैं और फिर आगे भरने होते हैं, क्लियर। और सेम एनर्जी वाले सबशेल में इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगली फिल करना है
विद द पैरेलल स्पिन और उसके बाद उसमें पेयरिंग स्टार्ट करनी विद ऑपोजिट स्पिन। बोलो बेटे यहां तक समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलना यस और नो। यस सर। यस सर, क्या पूछना चाह रहे हो? सर मुझे ये पूछना था कि हम इसमें मैक्सिमम स्पिन वाला ही क्यों फिल करेंगे, लाइक वो सर मैक्सिमम स्पिन वाला हम क्यों फिल करेंगे, लाइक जिसकी स्पिन मल्टीपल। अब भाई साहब पूछ रहे हैं कि सर मेरे को ये पूछना है कि मैक्सिमम स्पिन वाला क्यों करेंगे, मैक्सिमम स्पिन मल्टीपलिसिटी क्यों होती है, क्यों होनी चाहिए। ठीक, तो अगली बात है कि मैक्सिमम स्पिन मल्टीपलिसिटी क्यों होनी चाहिए। मान लो P में चार इलेक्ट्रॉन है, ठीक, P में चार इलेक्ट्रॉन है, तो चार इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे भर रहा हूं, एक दो तीन चार, या मैं जैसे कि जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम हो वैसे भर दूं, एक दो तीन चार, या मैं ऐसे भर दूं, ये तीन तरीके थे, एक ठीक और दो तीन चार, या मैं ऐसे भर दूं। तो हमें यह पता है कि इसकी स्पिन मल्टीपलिसिटी मैक्सिमम है, क्योंकि इसकी स्पिन मल्टीपलिसिटी कितनी हो जाएगी, थ्री, इसकी वन, ये स्पिन मल्टीपलिसिटी होगी। पर ये ज्यादा क्यों होनी चाहिए, देखो बेटा जब इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल में सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में होते हैं तो सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहते हैं, सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो होगा ये वाला इसको एक्सचेंज कर सकता है, एक्सचेंज, ये वाला इसको एक्सचेंज कर सकता है, यानी फर्स्ट कैन एक्सचेंज सेकंड और फर्स्ट कैन एक्सचेंज थर्ड, एज वेल एज सेकंड कैन एक्सचेंज थर्ड। तो इसमें ये एक्सचेंजेस पॉसिबल थी, ये एक्सचेंजेस पॉसिबल थी, सेम स्पिन वाले, ये ऑपोजिट स्पिन वाला ये इसको एक्सचेंज नहीं करेगा, ऑपोजिट स्पिन वाले एक्सचेंज नहीं करते, सेम स्पिन वाले करते हैं, जैसे ये इसको करेगा और ये इसको करेगा। तो यहां पे सिर्फ यहां टोटल थ्री स्पिन, थ्री एक्सचेंजेस थे, यहां थ्री एक्सचेंजेस थे, और यहां कितने हो सकते, सिर्फ दो ही एक्सचेंज हो सकते। अब ये इसको एक्सचेंज कर सकता है, ये इसको एक्सचेंज कर सकता है, यहां पे भी दो ही एक्सचेंज हो सकते हैं। एक्सचेंज का मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को एक्सचेंज करते रहते हैं सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, जिनकी स्पिन सेम होती है वो एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। जब एक्सचेंज करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी। मैं तुम्हें बोलूं यहां से यहां आ जाओ, फिर बोलूं यहां से यहां चल जाओ, यहां से यहां आ जाओ, यहां से यहां चल जाओ, थकोगे कि नहीं, एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं। तो इस एक्सचेंज की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग एक्सचेंजेस कम होती है पर होती है, एक्सचेंजेस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एक्सचेंजेस कॉल्ड एज एक्सचेंज एनर्जी। तो जिसमें एक्सचेंज ज्यादा होगी उसकी एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी, यानी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। अगर एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है तो नेट एनर्जी कम हो जाए। बेटा जितनी एनर्जी कम होती है उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेसर इज द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। जितनी एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। जब सवेरे उठते हो ना, एनर्जेटिक होते हो ना, तो इधर भाग उधर भाग, ये कर वो कर, है ना भाई, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। जब शाम को थक जाते हो तो जहां बैठे हो वहीं बैठे रह जाते हो, स्टेबिलिटी प्रॉपर इजंट इट। तो कहने का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में होते हैं, एक ही एनर्जी के होते हैं, तो एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं विद सेम स्पिन, उस स्पिन उस एक्सचेंज से थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है जिसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। पर ये मत सोचना कि इतनी एक्सचेंज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन नीचे न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, नहीं,
थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हो गई। वो जो थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। जब एनर्जी रिलीज होती है तो नेट एनर्जी कम हो जाती है, जब नेट एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो why should we have मोर स्पिन मल्टीपलसिटी, क्योंकि मोर स्पिन मल्टीपलसिटी का मतलब है मोर एक्सचेंजेस। मोर एक्सचेंजेस का मतलब है मोर एक्सचेंज एनर्जी। मोर एक्सचेंज एनर्जी का मतलब है लेसर टोटल एनर्जी। लेसर टोटल एनर्जी का मतलब है मोर स्टेबिलिटी, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है। यानी ये ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, इसलिए यही ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो कहने का मतलब ये है कि हुंस रूल बोलता था इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन द ऑर्बिटल्स ऑफ, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिट विद द पैरेलल स्पिन। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग जब तक नहीं होगी जब तक एक इलेक्ट्रॉन को पैरेलली एक स्पिन में हम लगा नहीं देंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे विद ऑपोजिट स्पिन। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से एक्सचेंजेस मैक्सिमम होती हैं। एक्सचेंजेस मैक्सिमम होने से एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम होती है, एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम होने से एनर्जी रिलीज्ड मैक्सिमम होती है, एनर्जी रिलीज मैक्सिमम होने से नेट एनर्जी कम होती है, जिससे स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाया करती है। सो दैट इज व्हाई वी शुड हैव मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो तीनों लॉ क्लियर हो गए आपको? अब वो प्रिंसिपल हुंस रूल एंड पॉलीज रूल, जल्दी बोलना। एक्सक्यूज मी सर, अब इसी पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं तुम्हें, इन सभी पे एक क्वेश्चन जो कि पेपर में बहुत बार आता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम अब वो प्रिंसिपल से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसको भरते पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और इसको लेकर के हैं। जैसे कि मान लो मैं दो चार कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको दिखाता हूं, ठीक है जी, कि इसका क्या फायदा हमें तीनों का हुआ। जैसे मान लो हम क्यों इसको कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज किए, हमें कह दिया गया था कि Z22 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो Z22। तो हमें पता चल गया था 18 पे आर्गोन है, उसको मेरे को लिखना ही नहीं था, उसमें सीधे आर्गोन लिख दिया। उसके बाद 4s शुरू होता था तो 4s पे दो चले जाते थे, 4s के बाद 3d आता था तो 3d में कितने चले जाएंगे, 18 और 2 20 बचे, 2 तो 2d में चले जाएंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब इसके वैलेंस शेल की जब ब्राइन बनाएंगे ये 4s हो गया और ये हमारे पास 3d हो गया। 3d में 5 ऑर्बिटल शो करेंगे ना, पर एस में एक, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो ऐसे बनाएंगे भाई इसको, 1 2 फिर यहां पे 2 1 2 ये 3d में, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई जिंक, ये Z22। जैसे मान लो Z7 ही है, तो भैया इससे पहले नोबल गैस हीलियम 2 पे थी, फिर 2s में 2, 2 2 4, उसके बाद 2p 4 और बचे 3, ये लो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब इसको कैसे लिखें, हाउ शुड यू राइट दिस, वी शुड राइट इट लाइक दिस, दिस इज 2s एंड दिस वन इज 2p। So 2s में there are 2 electrons like this, 2p में 3, 1 2 3, ये 2s 2p। बोलो बेटा क्लियर हुआ कैसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं? यस सर। सो दिस इज हाउ कॉन्फ़िगरेशंस आर रिटन, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, ठीक। अब देखो बेटे इस पे क्वेश्चन, हमें बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग,
in which of the following only Hund's rule is violated. हमें कहा है in which of the following only Hund's rule is violated. किसमें Hund's rule violate हो गया, किसमें Hund's rule violate हो गया, ठीक. और हमें 2s और 2p ये ऑर्बिटल दे रखे हैं. ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी, ये डी, ये ई. यहां पे एक, दो, ठीक. यहां पे एक, ठीक है जी, डी. ई अब हमें आंसर देना है. किसमें सिर्फ Hund's rule वायलेट हो रहा है, उसमें सारे रूल्स की वायलेशंस मैं आपको समझाऊं. देखो बेटा, पहला लेते ए. देखो ए में लोअर एनर्जी में तो गया ही नहीं, पहले ही यहां पे आ गया, तो लोअर एनर्जी में पहले भरने चाहिए थे, यानी इसमें अब वो प्रिंसिपल वायलेट हो गया. अगर पहले पूरे नहीं भरेंगे आगे चल जाएंगे तो अब वो वायलेट हो जाएगा. तो इसमें अब वो वायलेट हो गया एक. दूसरा यार, ये सेम स्पिन में आ गए. सेम स्पिन में नहीं आना चाहिए था, वो पॉलीज एक्सक्लूजन बोलता था, तो इसमें पॉली भी वायलेट हो गया. सेम स्पिन में नहीं आने चाहिए थे, तो पहले वाले में अगर नीचे इलेक्ट्रॉन ना हो आगे चल जाए तो अब वो. सेम स्पिन में हो तो पॉली. इसमें Hund's rule वायलेट नहीं था, इसमें पहले नीचे है तो अब वो वायलेटेड नहीं, पर सेम स्पिन है तो पॉली भी वायलेटेड है. और यहां पे पहले सिंगली फिल होने थे भाई, फिर पेयरिंग हुई थी, यानी यहां पे Hund's भी वायलेटेड, पॉली एज वेल एज Hund's बोथ आर वायलेटेड. यहां पे पहले तो नीचे इलेक्ट्रॉन गए ही नहीं, यानी ऑफ वो भी वायलेटेड है. फिर सेम स्पिन में भी आ गए तो पॉली भी वायलेटेड है. फिर पहले सिंगली भी नहीं भरे, Hund's rule भी वायलेटेड है, सारे वायलेटेड हो गए. अब यहां आ जाओ, यहां पहले भर गए नीचे, गुड, स्पिन अलग अलग है, वेरी गुड. यहां पहले स्पिन अलग अलग है, वेरी गुड. पहले सिंगली फिल हुए, पेयर हुए, नो वायलेशन, यहां कोई वायलेशन ही नहीं है. और यहां पहले हमारे पास भर गए, ठीक है, और वो भी ऑपोजिट स्पिन से, मजा आ गया. ना अब वो वायलेटेड है ना पॉलीज, यहां पे भी ऑपोजिट स्पिन है, लेकिन यहां पहले स्पिन ऊपर वाली होनी चाहिए थी, ये स्पिन गलत दी हुई है. तो ऑब्वियसली पहले सिंगली फिल करना था सेम स्पिन से, फिर पेयरिंग करनी थी, और पहले ऊपर वाली स्पिन आई थी, तो यहां ओनली Hund's rule इज वायलेटेड. तो आंसर इज ई. तो बेटा जब अब वो प्रिंसिपल पूछा हो तो ये देखना, नीचे इलेक्ट्रॉन अगर नहीं गए उसके आगे चले गए हैं तो हमारा अब वो प्रिंसिपल वायलेटेड होता है. वहीं पर अगर नीचे इलेक्ट्रॉन हो और सेम स्पिन में कहीं पर हो, कहीं पे भी किसी ऑर्बिटल में सेम स्पिन हो, तो पॉली वायलेटेड होता है. Hund's कब वायलेट होता है? या तो दोनों पेयरिंग पहले हो जाए सिंगली फिल ना हो, और अगर सिंगली फिल है तो पहले अलग स्पिन आ जाए तो वहां Hund's वायलेट होता है. तो वो लोग पता चल जाएगा कहां पे कौन सा लॉ वायलेट होगा. एक्सक्यूज मी सर,
हाँ जी बेटे बोलो। सर ये फर्स्ट वाला ए पार्ट दोबारा से एक्सप्लेन कर दोगे कि इसमें होम्स रूल क्यों नहीं वायलेट हुआ? बेटे होम्स रूल में पहले आपको सिंगली फिल करना था, तो भैया हमने सिंगली फिल किया होगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट करनी थी, फिर पेयरिंग की होगी, तो कहां से वायलेट हो गया? ओके सर। पिन वाला तो हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। क्लियर? क्लियर सर। तो दिस इज हाउ इस पर्टिकुलर के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, याद रखना अवो प्रिंसिपल कभी भी वॉयलेटेड दिखे तो एक्साइटेड स्टेट होती है। दैट कैन बी एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन आगे चला गया तो एक्साइटेड स्टेट हो सकती है। जब कभी पूछे इसमें कौन सी एक्साइटेड स्टेट है तो देख लेना, किसी में अगर अवो प्रिंसिपल वॉयलेटेड है वो एक्साइटेड स्टेट हो सकती है। क्लियर हो गया? अब देखो बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये तो कर ही लिया, लेकिन अब देखना एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस। कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास एक्सेप्शनल होती है। ठीक, जैसे दो एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं, एक है क्रोमियम दैट इज Z24, दूसरा शेयर कर रहा हूं कॉपर दैट इज Z29। अब इसमें क्या एक्सेप्शन है ध्यान से देखिए, अगर मैं क्रोमियम की एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन लिखूं क्रोमियम की, तो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, फटाफट बताओ कि भैया 24 से पहले नोबल गैस कहां आती है? दैट इज 18 आर्गन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाते 4s में, 2 जाने चाहिए, फिर 3d में 4 जाने चाहिए। ठीक है जी, तो यानी ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसी दिखनी चाहिए थी हमें। दिस कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी लाइक दिस, 1 2 3 4। सो दिस मस्ट बी द कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल, ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन जो होनी चाहिए थी। बट एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जब हमने यहां देखी बाय एक्सपेरिमेंटेशन, जब हमें पता चली, तो हमें यह पता चला कि इसमें अवो प्रिंसिपल वॉयलेट हो गया था, यह इलेक्ट्रॉन आगे चला गया था, यानी इसकी जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन आई आर्गन 18, यहां पे एक रह गया, 4s1 3d5, यानी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रह गया और यहां पर बेटे जी हमारे पास 1 2 3 4 5 आ गया। ये एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन आई, होनी ऐसी चाहिए थी पर हो ऐसी गई। सिमिलरली अगर मैं कॉपर की एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, तो 18 पे आर्गन, 4s में गए 2, आगे आया 3d, 18 और 2 20, बचे 9 यहां चले। सो कहने का मतलब इट्स कॉन्फ़िगरेशन शुड बी लाइक दिस, दिस इज 4s, And this one is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. This must be expected configuration. But when we saw actually, तो हमने ये पाया कि ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे चला गया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे चला गया है, and configuration becomes
आर्गन 18 4s1 3d10, यानी 4s में एक और 3d में 10, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस। तो ऐसे करके इसमें भी एक्सेप्शनल आ गए। अब बात यह है यार, ऐसा क्यों हुआ और कहां हुआ, कहां कहां होगा? क्या सिर्फ क्रोमियम और कॉपर ही है कि दुनिया में कोई और भी हो सकता? ठीक, और ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन से एक्चुअल क्यों हो गई, यानी इसमें एक्सेप्शन क्यों आ गई? देखो बेटा, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे पता चलेगा ये सारी कॉन्फ़िगरेशन, ये भी हाफ फील्ड है, आधा फील्ड ऑर्बिटल, और ये भी हाफ फील्ड है, यानी डी में 10 होने चाहिए थे, 5 है भाई, हाफ फील्ड है ना। सो दिस इज हाफ फील्ड, दिस इज आल्सो हाफ फील्ड, जबकि यहां पे ये तो फुली फील्ड था, 2 होने चाहिए, 2 ही थे, बट दिस वॉज नीदर हाफ फील्ड नॉर फुली फील्ड, ये ना तो हाफ फील्ड था ना फुली फील्ड था, अब दोनों ही हाफ फील्ड आ गए। यहां पे ये तो चलो जी फुली फील्ड था, ओके, बट दिस वॉज नीदर हाफ फील्ड नॉर फुली फील्ड, पर यहां आने से ये हाफ फील्ड हो गया और ये फुली फील्ड हो गया। ठीक है जी, ये वाला डी फुली फील्ड हो गया और ये हाफ फील्ड हो गया, एंड हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड आर ऑलवेज मोर स्टेबल। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर ऑलवेज मोर स्टेबल, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर ऑलवेज मोर स्टेबल, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। तो क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने से हमारे पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस बन गई, या फिर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से हमारे पास फुल। सो मेरे बच्चे, यहां पे ये तो फुली फील्ड का, लेकिन हाफ फील्ड नहीं था, अब यहां पे दोनों हाफ फील्ड हो गए, सो इट इज मोर स्टेबल। वैसे ही यहां पे ये फुली फील्ड था, लेकिन ये ना फुली फील्ड ना हाफ फील्ड, जबकि यहां ये हाफ फील्ड और ये फुली फील्ड, मोर स्टेबल। तो हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस ज्यादा स्टेबल होती है। तो जहां कहीं पे भी एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके हाफ फील्ड या फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ सके, वहां ऐसी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती है। जहां कहीं पे भी एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके हाफ फील्ड या फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, वहां ऐसे एक्सेप्शन हो जाती है और ऐसी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक, इसलिए क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन है। तो अगर आपसे बोले राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, तो लिखना कि क्रोमियम Z24 एक्सपेक्टेड दिस बट एक्चुअल दिस, व्हाई? बिकॉज हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड एंड मोर स्टेबल। नो, बात आती हाफ फील्ड फुली फील्ड क्यों ज्यादा स्टेबल, व्हाई? बट हाफ फील्ड फुली फील्ड इज मोर स्टेबल बिकॉज नंबर वन, मोर सिमेट्री। भैया अगर हाफ फील्ड है तो सारी जगह इलेक्ट्रॉन क्लाउड इक्वली बटा हुआ होगा, हाफ फील्ड या फुली फील्ड यानी सारी ऑरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन इक्वली बटे हुए होंगे, तो सिमेट्री ज्यादा होगी। और दूसरी बात, एक ही स्पिन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से एक्सचेंजेस ज्यादा होंगी, तो मोर एक्सचेंज एनर्जी। और एक्सचेंज एनर्जी आपको समझा चुका हूं मैं, एक्सचेंज एनर्जी, यहां एक्सचेंजेस कितने पॉसिबल है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू सेकेंड, फर्स्ट टू सेकेंड, फर्स्ट टू थर्ड, फर्स्ट टू फोर्थ, एक दो तीन, ये फर्स्ट, फिर सेकेंड टू थर्ड, सेकेंड टू फोर्थ, फिर थर्ड टू फोर्थ, सिर्फ ये एक्सचेंजेस पॉसिबल है, एक दो तीन चार पांच छह, जबकि यहां वन टू
थ्री फोर यानी फर्स्ट का सेकंड से, फर्स्ट का थर्ड से, फर्स्ट का फोर्थ से, फर्स्ट का फाइव से, ऐसे ही सेकंड का थर्ड से, सेकंड का फोर्थ से, सेकंड का फिफ्थ से, थर्ड का फोर्थ से, थर्ड का फिफ्थ से, फोर्थ का फिफ्थ से, हाउ मेनी एक्सचेंजेस आर पॉसिबल नाउ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहां 10 एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं, 10 एक्सचेंजेस। और जबकि ये हाफ फिल्ड नहीं था तो एक्सचेंज का नंबर कम था, 6 एक्सचेंजेस वर देयर। तो बेटा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कब आती है? सबसे पहले जब एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने से हाफ फील्ड या फुली फील्ड बन जाए। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होती हैं। क्यों ज्यादा स्टेबल होती हैं? ड्यू टू मोर सिमेट्री एंड मोर एक्सचेंज एनर्जी। इनकी सिमेट्री ज्यादा होती है, इसमें एक्सचेंजेस का नंबर ज्यादा होता है, इसलिए एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है। अगर एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा हुई तो एनर्जी रिलीज ज्यादा हो जाएगी, नेट एनर्जी कम हो जाएगी, नेट एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो कल को अगर क्वेश्चन आ जाए कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आपने लिखना जी एक्सपेक्टेड ये, बट एक्चुअल ये। क्यों कहना? क्योंकि ये हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड है, एंड हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल ड्यू टू मोर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मोर सिमेट्री और मोर एक्सचेंज एनर्जी। एंड बिकॉज अगर आपसे पूछे एक्सचेंज एनर्जी क्या, बोला एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एन एक्सचेंज, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग एन एक्सचेंज। सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक्सचेंज करते हैं, अगर उनकी एनर्जी सेम हो तो उसमें थोड़ी बहुत जो एनर्जी रिलीज होती है उससे नेट एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बोलो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई कि नहीं आई? यस अंगद, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? नथिंग सर, एक्चुअली बाय मिस्टेक। ओके ओके, कोई बात नहीं। अब बेटे देखो, अब तुम्हारा एक होमवर्क देखना, ध्यान से सुनना, ये भेजना अभी 11 बजे से पहले। होमवर्क क्या है? आपके पास होगी एनसीईआरटी, है ना, सभी के पास होनी चाहिए। एनसीईआरटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर के एंड में बेटा 2 पेजेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख के दी गई सभी, ठीक। उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे स्टार लगे हुए हैं, और जहां स्टार लगे हैं वो सारी की सारी एक्सेप्शन है। आपने उसका चार्ट बनाना है, कौन कौन सी एक्सेप्शन है उसकी एक्चुअल और एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन लिख के 11 बजे से पहले भेजनी है। देख के करना होमवर्क, ओपन बुक है, ठीक। ये क्या करना है, एनसीईआरटी खोलनी है, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन दे रखी हैं, आपने उसमें से जितने भी स्टार वाली हैं जिसमें एक्सेप्शंस हैं वो कॉन्फ़िगरेशन आपने पकड़नी है, ठीक। वो कॉन्फ़िगरेशन आपने पकड़नी है, ठीक है जी, और उसकी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन लिख के भेजनी। माइंड इट बेटे, कुछ को तो हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन देर आर मैनी जिनको आप ऐसे एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। देर आर मैनी जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आज तक हमारे, ओनली एक्सपेरिमेंटली नोन है। कई ऐसी एक्सेप्शन उसमें मिलेंगी जो फुली फील्ड भी नहीं हो रही, हाफ फील्ड भी नहीं हो रही, फिर भी एक्सेप्शन है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। धीरे धीरे फ्यूचर में शायद जब साइंस तरक्की करेगी तो और एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी हमारे को। तो होमवर्क कान खुल के सुन लो, फिर बाद में मेरे को मैसेज करते हो, ग्रुप में मैसेज करते हो, तो ध्यान दे लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल अपनी एनसीईआरटी में से ढूंढ के लिखनी है, उसकी एक्चुअल और उसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन और एलिमेंट का नाम। गॉट इट और नॉट? यस सर, यस सर।